हमारे सरदार जी गिरते हुए कट कर दिया, कट ना होगा कुछ भी। ये लॉन्ग शॉट चल रहा है, इसके अंदर कुछ कट नहीं होगा। मैं अपनी ऑडियंस के साथ धोखा नहीं करूंगा, सॉरी सब्सक्राइबर्स के साथ धोखा नहीं करूंगा मैं। गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए उज्बेकिस्तान के ब्लॉग में। आज थोड़ा मैं लेट ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और स्टार्टिंग करूँगा, पहले मैं थोड़ा एक इंसिडेंट बताता हूँ क्या हुआ। कल रमज़ान था जैसे कि आज भी है, तो बीइंग अ वेजिटेरियन यहाँ पे थोड़ा उज्बेकिस्तान में खाना मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है वेजिटेरियन। यहाँ पे फिर को ना दूर दूर तक कोई स्ट्रीट फूड भी नज़र नहीं आए कि हम ट्राई कर सकें, तो फाइंड आउट करके इधर उधर जहाँ भी मिल जाता है 1 किलोमीटर के अंदर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, तो हम वहाँ जाके खाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि जहाँ हम जाते थे कल शायद से वहाँ पर ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए होंगे, या फिर क्या बोले, क्योंकि रोटी तो हम ही खाते हैं जाके, जो इंडियंस होते हैं फॉरनर्स भी खाते होंगे बट वो लिमिटेड में खाते होंगे, पता नहीं क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया। तो हमने ऑर्डर दे दिया, जस्ट गलती क्या होगी, हमने जस्ट टेबल चेंज कर दिया। अब देखा तो था उन्होंने टेबल चेंज करते हुए हमें, बट उनका ध्यान गया नहीं गया अब ये पता नहीं। तो हमारा ऑर्डर कम से कम आने में 1.5 से 2 घंटा लग गया, वैसे मैक्सिमम 2 घंटा लग गया था, पर फिर भी 1.5 घंटा बोल रहा हूँ, पर 2 घंटे लग गए थे और हम कंटिन्यू बोल रहे थे उन्हें, बट इतना फोर्स नहीं कर रहे थे क्योंकि हमें पता था कि आज रमज़ान है और आज भीड़ होगी, या ऑनलाइन डिलीवरी भी कर रहे थे वो। बट 2 घंटा वहाँ लग गया, 9 बजे गए थे, 11 बजे तक फिर वहाँ कुछ मिला भी नहीं, क्योंकि रोटी थी नहीं और चावल के साथ उनकी सब्जी हो नहीं पाती, कि जरी सी सब्जी देते हैं, महंगी भी होती है और होती भी कम है। तो फिर फाइनली हमने सोचा चलो वहाँ से ब्रेड ले लेते हैं, चीज़ ले लेते हैं, दूध ले लेते हैं, अपना हौसले किचन में आके बना लेंगे। तो हौसले किचन में आके बनाया हमने, और जस्ट नॉर्मल जैसे ब्रेड गर्म की जाती है फ्राई पैन में, तो हम वैसी गर्म कर रहे थे और चीज़ लगा के खा रहे थे। देन पता नहीं हॉस्टल की जो ओनर थी, ओनर की वाइफ है, वो भी वहीं पे किचन में आके खाना खाने आई थी, एंड पता नहीं, वो समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ मैं, कि डिस्क्रिमिनेशन बोलूँ, पर ऐसा हुआ नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा इस वर्ड पर ज़्यादा मैं इंफेसाइज नहीं करूँगा, बट ऐसा लगा। तो उन्होंने रिसेप्शन में जो लड़का बैठता उसे बोला होगा कि इन्हें बोलो कि, एंड वो आया एकदम ही कहने लगा कि स्मोक कुछ निकली, धुआं कहीं से निकल ही नहीं रहा था, जब हमने कुछ ना घी यूज़ किया ना हमने ऑयल यूज़ किया, बस नॉर्मल जस्ट ज़रा सा गर्म हो जाए और हम खा लें। तो ठीक है, हमने चलो फिर भी खा पी लिया था हमने लास्ट में, एकदम जब ख़त्म होने पर आ रहा था हमारा ब्रेड का खाना पीना, देन वो उन्होंने बोला। बट ये मुझे थोड़ा अजीब लगा इसलिए, और हमें भी अजीब लगा, मतलब मेरे साथ के जो हॉस्टल मेट्स हैं उनको भी, क्योंकि किचन में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, और लिविंग एरिया के साथ ही किचन है, तो लिविंग एरिया में बाकी सब वहाँ पे थे। मतलब उनका कहना था, जो मैंने मॉर्निंग में पूछा कि हमने लास्ट दिन क्या गलत किया, ऐसा कुछ बताओगे हमें, क्योंकि रात में तो आपने कुछ खास बताया नहीं, जो रिसेप्शन में लड़का बैठता उससे पूछा, तो कह रहा है कि जो आपके राइट हैंड साइड लिविंग एरिया के दूसरी साइड गर्ल्स का रूम है, वहाँ से वो कह रहे थे कि ब्रेड की बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है, तो उन्हें सोना है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो सारे वहाँ पे लिविंग एरिया में ही थे, अवतार मूवी देख रहे थे वो। वैसे भी सीन यही था कि जो ओनर थी, उसकी ओनर की जो वाइफ थी, उन्हीं ने कुछ पता नहीं क्या बोला होगा क्या नहीं बोला होगा। तो ये थोड़ा एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब गया, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगा बट ख़राब गया, कि मतलब इतना ध्यान से काम करो, समझ समझ के काम करो, फिर भी इन्हें प्रॉब्लम हो ही जाती है किसी न किसी चीज़ से, उन्हीं को हुई थी, बाकी रिसेप्शन जो लड़का है वो तो बढ़िया है। बस इतना मुझे बस स्टार्टिंग में थोड़ा बताना था, बाकी मैं ये नहीं चाह रहा था मेरी ब्लॉगिंग स्टार्टिंग थोड़ा कुछ नेगेटिविटी से हो, बट इसलिए बताना चाह रहा था कि पता रहे कि ऐसा होता है, कहीं ये भी इंसिडेंट्स हो जाते हैं, छोटे मोटे, ज़्यादा नहीं, कोई ऐसा नहीं। अच्छा है हॉस्टल का नाम तो नहीं बताऊँगा, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि What do you know about Magic City? Magic City, not bad. It's very beautiful and very big. It's a modern city. Another place where we can
relax. It looks like a Disneyland. It's okay. तो अभी हम जा रहे हैं मैजिक सिटी जो कि मतलब एक मॉडर्न सिटी है और मेरे ख्याल से उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 2019 में कंप्लीट हुआ है और एकदम कंप्लीटली चेंज है बात है वो एकदम न्यू मॉडर्न सिटी है तो अभी मैं हम उसी साइड जा रहे हैं। ये मेरे हॉस्टल मेट्स हैं जहाँ मैंने अपना हॉस्टल बुक किया था ये वहीं पर मिले थे मेरे को ये यहाँ पर घूमने फिरने आ रखे हैं रमीर मेट से पहले के आ रखे थे तो जस्ट इन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करी है ताशिन घूमने में। अभी अब यहाँ पर लाइटिंग स्टार्ट हो गई ना तब इसका ज़्यादा मज़ा आएगा एकदम लाइटिंग में बहुत अच्छा लगा ना लाइटिंग जब स्टार्ट होगी तो बहुत अच्छा लगेगा ये डिज्नीलैंड की तरह। पाजी पार्क तो बहुत बड़ा है ना उधर भी मैंने ना लास्ट फाउंटेन भी दिख रहा है वहां पे यहां तो आराम से बंदा टाइम अपना बिता सकता है। हेलो बच्चे खेल रहे हैं अपना मजे से। हेलो और उज़्बेकिस्तान के बारे में बता दो उज़्बेकिस्तान का जो टाइम है वो इंडिया से आधा घंटा पीछे चलता है तो जैसे कि अभी टाइम हो रहा है 6:50 तो ये इस समय का जो जितना भी नज़ारा दिख रहा है ये इस समय का ही दिख रहा है और बहुत सही टाइम पर आया हूँ। काफ़ी भीड़ हो रखी है यहाँ पर जो कि अच्छा भी लग रहा है क्योंकि खाली में इतनी बड़ी जगह में घूमते हुए अकेले पागल ही लगते हैं। यहाँ पर रेस्टोरेंट है कौन सा रेस्टोरेंट है लग रहा है इनके लोकल रेस्टोरेंट्स हैं। होगी ना कि रेल तो अच्छा इसमें टायर लगे पड़े रेल तो क्या ही है ये चलें। यहाँ पर सब फोटो खिंचाते हैं और हमने भी खिंचवाई है पूरा फोटो जेनिक है यार यहाँ मतलब इंस्टाग्राम की इतनी फोटो आ सकती है ना इंस्टाग्राम के लिए कोई इंस्टाग्राम के लिए बहुत ज्यादा ही क्रेजी है देन यहाँ पे बहुत पिक्स ले सकता है वो हमारे सरदार जी गिरते हुए कट कर दिया कट ना होगा कुछ भी ये लॉन्ग शॉट चल रहा है इसके अंदर कुछ कट नहीं होगा मैं अपनी ऑडियंस के साथ धोखा नहीं करूंगा और सॉरी सब्सक्राइबर्स के साथ धोखा नहीं करूंगा मैं पूरा पार्क है ये ताशकंद पार्क है उसके साथ ही उसके पीछे ये साथ में ही है मैजिक सिटी वो देख यहाँ से इसकी एंट्रेंस यहाँ पे कोई दिक्कत हो जाए तो पुलिस को कॉल भी कर सकते हैं और यहाँ का जो नंबर दे रखा है कॉल कहाँ से करेंगे यार ये नंबर भी कॉल करना पड़ेगा नंबर तो दे रखा है यहाँ पे 102 वैसे यहाँ दिक्कत हो नहीं सकती क्योंकि सब कुछ सिक्योरिटी में है यहाँ पे और यहाँ पे इतनी भीड़ है क्या दिक्कत होगी यहाँ पे कुछ भी नहीं होगी बाहर में जहाँ से हमने एंट्रेंस ली थी वहां भी सिक्योरिटी थी या पीछे ताशकंद के पार्क के वहां से भी सिक्योरिटी होगी। और ये नहीं यहाँ पे पुलिस ही है ना नहीं नहीं पुलिस नहीं अब जगह का मजा आने लगा अब लाइटिंग स्टार्ट हो गई है। हाय सही था मैं यहाँ पे टॉयलेट ही है मुझे लग रहा अपनी भाषा में टॉयलेट ही लिखा है उन्होंने पक्का नहीं कह सकते हाँ टॉयलेट ही है
बहुत ज्यादा ह्यूज है ये। यहाँ का चल रहा है यहाँ पे साफ सफाई भी टाइम टाइम पे चल ही रही है, मतलब ठीक है, क्लीन सिटी है एकदम ही ना। मैं जितनी देर से देख रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा ही अच्छी लग रही है मुझे। एंड यहाँ पे बच्चों के साथ खेलने के लिए भी है बंदा। यहाँ पे प्लेइंग एरिया भी है जहाँ पे खेल सकते हैं, तो उसका चार्जेस होंगे। तो यहाँ पे बैलून तोड़ेंगे, जिसके चार्जेस ज्यादा से ज्यादा है 35,000 सोम। यहाँ पे बहुत बच्चों के लिए ठीक है, बच्चों अगर यहाँ पे बच्चों के साथ आ जाए ना, बच्चों को तो बहुत आराम से टाइम पास हो जाएगा। जैसे ये रहा, इसके चार्जेस है 30,000 सोम। अगर इतना पैसा लगा के बनाया है तो यहाँ पे आना तो बनता भी है। पाजी आज तो काफी सेल्फी होगी थोड़ी। जगह कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी। यहाँ पर अगर 4 घंटे घूमने को बोलो तो घूम लोगे आराम से ना? सारा दिन भी घूम सकते हो। बढ़िया, और इस समय ज्यादा अच्छी लग रही है। वही एंट्रेंस है जहाँ से मंदिर आए थे। घूम के आ चुके हैं यहाँ से एंट्री से, पूरा कम से कम वो लगता है आधा घंटा 1 घंटा घूमे हम, 1 घंटा तो घूमे आराम से। वापसी चलना अंदर सीधा बाहर, सीधा बाहर ना? ठीक है, यहाँ पे मस्त विजिट प्लेस है, ये आना चाहिए यहाँ पे। बेस्ट लगा मुझे, बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये। और किसी को टाइम पास करना है, कोई अकेले घूमने आया है, कोई फैमिली के साथ घूमने आया है, तो सब तो मस्त विजिट प्लेस है ये, बहुत इजीली टाइम पास हो जाएगा यहाँ तो। बना लो जी, बना लो।